press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक जबरदस्त वीडियो देखने जा रहे हैं, पर इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम, भाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। तो ये वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होगी भारत की बेटी, भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये दोनों ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर बात करेंगी, तो इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। पर हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद इन वाराणसी। एक दफा फिर से पाकिस्तान और भारत के तमाम मुसलमानों ने इस मुद्दे को दोबारा से हवा दी है कि भारत में जब से मोदी सरकार आई है तो वो मंदिर बना रहे हैं, और पुरानी जो मस्जिदें हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी स्पिरिचुअलिटी जिससे डैमेज होती है, मोदी सरकार उन मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट करी है। आज हमारे साथ भारत की एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज नाजिया इलाही खान मौजूद है, जो मुस्लिम भी है, वकील भी है। आज वो सच बताएंगी कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का क्या सच है और मुसलमानों को कितनी गाइडलाइन की जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। आप इस्लामिक देश से हैं और अब पाकिस्तान से हैं आप, इसके अलावा न्यूज में भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के बारे में पढ़ती होंगी। आपने कुरान भी पढ़ा है, आपने कलमा तैयब भी पढ़ा है, आपने आमपारा भी पढ़ा है, दीनी बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में मैंने जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है और मेरा नॉलेज है, बचपन से ही स्कूलों में दीनी तालीम दी जाती है। ज्ञानवापी किसी भी इस्लामिक किताब में ये नाम पढ़ा है क्या? नहीं, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसके नाम से पता चलता है ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। ये मेरी रिसर्च है, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन आपसे करी थी। पहले जमाने में जब मंदिर होते थे उनके साथ उनके स्कूल होते थे, गुरुकुल स्कूल टाइप या फिर लाइब्रेरी टाइप, जिसको अक्सर आपको पता है पुराने वक्तों में मुगलों ने या फिर जो सेंट्रल एशिया से आते थे। तो ज्ञान कोई या तो एक कोई लाइब्रेरी हो सकती है या फिर कोई स्कूल हो सकता है, ये मस्जिद नहीं हो सकती, ये मैं कह रही हूँ। आप क्या कह रही है? अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। 1993 तक वहां पर महाशिव की पूजा हो रही थी, महाशिव जी की पूजा हो रही थी, ठीक है। अब मैं ज्ञानवापी को आपको एकदम, ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड, ये ऋग्वेदा से आया, ठीक है। ज्ञान का मतलब नॉलेज और वापी का मतलब वेल, मतलब कुआं, नॉलेज का कुआं, इसको ये संस्कृत वर्ड है जिसको ज्ञानवापी मिला करके बना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या होते हैं कि ज्ञानवापी से रिलेटेड और भी कई वर्ड है, शिवा तीर्था है, उसके बाद तारका तीर्था है, मोक्ष तीर्था है, इन सारे वर्ड्स का मतलब भी ज्ञान से रिलेटेड आता है, जो संस्कृत में आता है। तो ज्ञानवापी जब हम संस्कृत में किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो शिवा तीर्था, तारका तीर्था, मोक्ष तीर्था भी हम इस बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज तक, हमारे बाप दादा ने, दादा के परदादा ने कभी भी जय हनुमान मस्जिद तो सुना नहीं, श्री राम मस्जिद तो सुना नहीं, नहीं सुना, नहीं सुना ना, नहीं। काली माँ की मस्जिद तो सुना नहीं, मंदिर होते हैं, मस्जिद ही होती, सुना नहीं, नहीं। भगवान कृष्ण मस्जिद तो हमने सुना नहीं। तो जब इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में 14 कंट्री मुस्लिम ममालिक है, ठीक है, तो जब इस पूरी दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में हमने या किसी और भी कंट्रीज में हमने ऐसे नाम की मस्जिद नहीं सुनी, तो फिर ये अचानक से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ उसकी पूरी रियलिटी। हमारे हिंदुस्तान में, देखिए पाकिस्तान में एक र्यूमर तो है ही है कि मुसलमान बहुत डिप्राइव है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में पूरे के पूरे मुसलमानों का एक गुट है जिसका नाम, अच्छा, जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो वक्फ
बोर्ड के हिसाब से लैंड माफिया चलाता है, शरिया के नाम पर मुसलमान लड़कियों का डिपो डिप्राइव करता है, मुसलमान लड़कियों पर अत्याचार करता है, और जितने भी औरंगजेब और जितने भी मुगल बादशाह ने हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के गुरुकुल को, हिंदुओं के स्थापना की जगह को लूटपाट मचाया था, उनका ये देखरेख कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में औरंगजेब की ठरकजेब और औलाद बहुत सारी है, हमारे हिंदुस्तान में मुगल आजम के ठरके आजम औलाद बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जिनको चार बीवी बिस्तर पर चाहिए होती है और आसमान पे 72 वर्जिन हूर भी चाहिए होती है। तो ऐसे ऐसे ठरकजेब और ऐसे ऐसे ठरके आजम, ऐसे ऐसे मुसलमान दाढ़ी और टोपी लगा करके लुंगी उठा उठा करके नाचना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आती हूँ आपको आपको इस बात पे कि हमारे हिंदुस्तान में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एस्टैब्लिश हुआ 1861 में, जिसमें ये बताया गया है, जिसको बनाया ही इसलिए गया ASI की रिपोर्ट, जिसमें हिंदुस्तान के कल्चरल और हेरिटेज प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया जा सके। अब क्या हुआ कि भाई ये मामला जब कोर्ट तक पहुंचा, ठीक है, पहले लोअर कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसके बाद फिर एक निर्णय सामने आया कि चलिए ठीक है, ना आपकी ना हिंदू पक्षों की हम सुनेंगे, कोर्ट ने कहा ना हम हिंदू पक्षों की सुनेंगे और ना ही हम मुस्लिम पक्षों की सुनेंगे, हम सबूत के आधार पर भाई बात करेंगे। हाँ, आप एक काम करो, आप ASI की रिपोर्ट लेकर के आओ। तो वहां पर त्रिशूल के अक्ष पाए गए, वहां पर गीता का श्लोक पाया गया, वहां पर रामायण के श्लोक पाए गए, वहां पर पान के पत्तों के प्रिंट पाए गए, वहां पर भगवान के फुट प्रिंट्स पाए गए हैं, जिसको प्लास्टर लगा लगा करके ढकने की कोशिश की गई है पर पूरा ढक नहीं पाया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो टीम होती है ना, वो यही करते हैं, वो पुराने पुराने गारों के अंदर जाकर पता करते हैं, पुराने पुराने चट्टानों पे पता करते हैं, पुरानी पुरानी हवेलियों पे पता करते हैं। तो ये सर्वे टीम हर एक देश में ASI एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम होती है, इसकी बजावते एक पूरी पढ़ाई होती है, जैसे हमारे लिए LLB होती है, MBBS, तो उसी तरीके से उनकी भी पूरी पढ़ाई होती है। तो सरकारी टीम को खड़ा किया गया और कहा गया पता करो, ठीक है भाई। अब हिंदू पक्ष के जो वकील थे वो साथ में गए, मुसलमान पक्ष के वकील साथ में गए, पूरी एक सुरक्षा कमेटी और जितने भी सिक्योरिटी पुलिस प्रशासन थे उन लोगों को साथ में दिया गया और वीडियोग्राफी के तहत कहा गया कि आप इसमें सर्वे पूरा कर करके आप कोर्ट को जमा करो। ये लोग क्या किए कि वहां पर चिल्ला चिल्ली लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किए, उस सर्वे टीम को काम नहीं करने दिए और उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच करके इन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया, ये कह करके कि अंदर में तोड़फोड़ चल रहा है। कोर्ट बेचारा परेशान हो गया कि तोड़फोड़ चल रहा है, इतनी बड़ी टीम जो सरकारी टीम है उसको भेजा गया है, वीडियोग्राफी के तहत वहां पर सर्वे चल रहा है, तोड़फोड़ कैसे हो सकता है। 2 घंटे का समय दे करके कोर्ट ने फिर हिंदू पक्षों के वकील को बुलाया, उसके बाद फिर ASI की सर्वे की टीम को बुलाया कि आप बताइए कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि सर कोई हमारे पास तो पूरा वीडियो है, हम तो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं और हम तोड़फोड़ कर कैसे सकते हैं, वी आर वेरी एथिकल ऑफिसर, कोर्ट के ऑर्डर है ना, तोड़फोड़ कर भी नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो फिर मुस्लिम पक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील से पूछा गया, कोर्ट ने पूछा, हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने पूछा कि आपने कैसे मान लिया, कैसे समझ लिया कि अंदर तोड़फोड़ हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि इतने लोग अंदर गए साथ में तो मुझे लगा कि तोड़फोड़ हो रहा है। इनको लग जाता है हर दफा, इनको कुछ ना कुछ लग जाता है। तब इसको मैं बहुत आसान लफ्जों में शायला मैं समझाना चाहूंगी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये वो बहुत सारे नॉर्मल लोग जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए कि अचानक से एक आदमी आकर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है नाजिया मैं तुम्हारा बाप, ठीक हो गया, ठीक है। अब मेरे जो जिसको मैं बचपन से उम्र के 33 साल तक अब्बू बोल रही हूँ, पापा बोल रही हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधे कोर्ट जाऊंगी, मैं कहूंगी मेरा DNA करवा दीजिए,
जो भी मेरे पापा हैं अब आज से वही मेरे पापा हो जाएंगे। तो यही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 3 अगस्त का ही डेट है फिर से। हालांकि कोर्ट ने उन लोगों को बिल्कुल समझा कि मुस्लिम पक्ष जो है वो बिल्कुल बेचैन हो रहा है, बेचैन आत्मा बन करके सब ठर के आजम घूम रहे हैं, सबको परेशानी हो रही है, पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद फिर कोर्ट ने बिल्कुल दोनों पक्षों की बात सुनी और उन्होंने कहा 3 अगस्त का उन्होंने टाइम दिया। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि अगर आपको पता है कि ये मस्जिद है तो किसी भी तरीके के सर्वे से आपको दिक्कत कहाँ पर हो रही है? नहीं होनी चाहिए। आपको परेशानी कहाँ पर हो रही है? अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ, क्योंकि हमारे मुसलमान मौलवी मुल्ला हमेशा ये हमको बचपन से समझाते आए हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है। तो भाई जब अल्लाह का घर है तो अल्लाह बचा लेगा ना, अल्लाह को बचाने दो ना। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम यूसीसी नहीं मानोगे, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि तुम शरिया लॉ को चलाओगे, तीसरी तरफ तुम कानूनी दाव पेच लगा करके तुम एक मंदिर को हड़प करके मस्जिद बनाने को तैयार हो। तो पहले खुद में तो तय कर लो कि तुम करना क्या चाह रहे हो। तुम्हारे दाढ़ी टोपी से वो जमाना लग गया हिंदुस्तान में कि लोग डर जाएंगे। और शैला आप मेरी बात को बगौर सुनिए। जी जी। 5% हिंदू की मेजॉरिटी इस हिंदुस्तान में है और उनकी इन सनातनों की आप तारीफ मुंह से निकल जाएगी आपके भी पाकिस्तान में रहते हुए कि कितने शरीफ है कि अपने मंदिर की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, रोड पे नहीं उतर रहे हैं। मैम मैं ये कहूंगी शरीफ नहीं है, पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। अब आप सोचो कि वो चाहते आज अगर 85% हिंदू उस ज्ञानवापी जगह पर अगर घुस के बैठ जाता और कहता कि ये मेरी जगह है, किसके बाप की ताकतें दिखा लेकर के हमसे, क्या ये महज 14% हिंदुस्तान के मुसलमान उसको बचा पाते? कभी नहीं बचा पाते। लेकिन सनातनी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगी, हैट्स ऑफ करूंगी कि कानून पर भरोसा कर रहे हैं और पूरी शराफत से, पूरे सिविलाइजेशन से और पूरे पोलाइटनेस के साथ कानून के हिसाब से हर एक स्टेप ले रहे हैं और मोहब्बत से समझाते हैं कि अगर ये आपकी मस्जिद निकली तो आप रख लेना, और अगर ये मेरे मंदिर निकली तो हमें दे देना, ये कानून पर हम छोड़ रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को इज्जत देना नहीं, मुसलमानों को सीखने की जरूरत है सनातनी से, इवन किस तरह से जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, किस तरह से इंसानियत को खूबसूरत बनाया जाता है, किस तरह से इंसान खूबसूरत बन सकता है अपने मिजाज, अपने बिहेवियर, अपने बातचीत से, ये सनातनी से सीखने की जरूरत है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको काफी सारी नई जानकारी मिली होगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि शैला खान के सवालों का बहुत ही बेबाकी और खूबसूरती से जवाब दिया नाजिया खान मैम ने, और दूसरी ओर आपने देखा कि कैसे उन्होंने मुगलों की औलादों को खूब धोया, और एक पॉइंट उन्होंने बहुत वैलिड कहा कि कैसे किसी भी मस्जिद का नाम जो है वो संस्कृत नाम हो सकता है, ज्ञानवापी जो है वो एक संस्कृत नाम है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। और ये तो प्रूवन है, आर्कियोलॉजिकली फैक्ट्स हैं हमारे देश में, जितने भी आप मस्जिद खोदोगे आपको उनके नीचे कहीं ना कहीं मंदिरों के निशान जरूर मिलेंगे। और आपने देखा कि कैसे नाजिया खान जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और हम देख रहे हैं कि जो भी पूरी सुनवाई चल रही है कोर्ट में उससे मुस्लिम जो पक्ष है वो कैसे बेचैन है। और आपने देखा कि कैसे खुद एक मुस्लिम होते हुए नाजिया खान जी ने सनातन धर्म की खूबसूरती को जो है कितने अच्छे तरीके से प्रकट किया। हम सब सनातनियों को अपने सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए, और हम सब जानते हैं कि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है, वो जिंदगी जीने का एक तरीका है, इट्स कॉल्ड अ वे ऑफ लाइफ। और एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और एक मजेदार पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, जो नाजिया खान जी ने ये बोला, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क इसलिए है क्योंकि यहाँ का हिंदू जो है वो सेकुलर है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसे आपने अंत तक देखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।